साल 1992 में रोनित रॉय जी की मूवी आई जान तेरे नाम। इस मूवी का बजट था 1 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 3 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। साल 1993 में रोनित रॉय जी की मूवी आई सैनिक। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 40 लाख। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 1 करोड़ 20 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई तहकीकात। इस मूवी का बजट था 1 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 1 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 1994 में रोनित रॉय जी की मूवी आई लक्ष्य। इस मूवी का बजट था 75 लाख। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 81 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 1995 में रोनित रॉय जी की मूवी आई हलचल। इस मूवी का बजट था 5 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 6 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई रॉक डांसर। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 50 लाख। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 1 करोड़ 20 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 1996 में रोनित रॉय जी की मूवी आई जुर्माना। इस मूवी का बजट था 3 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 3 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई जगन्नाथ। इस मूवी का बजट था 4 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 40 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई मेघा। इस मूवी का बजट था 80 लाख। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 61 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई आर्मी। इस मूवी का बजट था 4 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 7 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई दानवीर। इस मूवी का बजट था 3 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 3 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 1999 में रोनित रॉय जी की मूवी आई सर आंखों पर। इस मूवी का बजट था 1 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। साल 2000 में रोनित रॉय जी की मूवी आई गैम्बलर गर्ल। इस मूवी का बजट था 45 लाख। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 5 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। साल 2001 में रोनित रॉय जी की मूवी आई हम दीवाने प्यार के। इस मूवी का बजट था 8 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 12 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई खतरों के खिलाड़ी। इस मूवी का बजट था 2 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 1 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई शिरडी साई बाबा। इस मूवी का बजट था 1 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 40 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। साल 2005 में रोनित रॉय जी की मूवी आई किसना। इस मूवी का बजट था 23 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 9 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई निशान। इस मूवी का बजट था 1 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 26 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। साल 2007 में रोनित रॉय जी की मूवी आई शूट आउट लोखंडवाला। इस मूवी का बजट था 18 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 46 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। साल 2010 में रोनित रॉय जी की मूवी आई उड़ान। इस मूवी का बजट था 5 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 3 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 2012 में रोनित रॉय जी की मूवी आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस मूवी का बजट था 40 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 96 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। साल 2013 में रोनित रॉय जी की मूवी आई बॉस। इस मूवी का बजट था 70 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 50 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 2014 में रोनित रॉय जी की मूवी आई
टू स्टेटस। इस मूवी का बजट था 40 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 172 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। साल 2015 में रोनित रॉय जी की मूवी आई गुड्डू रंगीला। इस मूवी का बजट था 20 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 7 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 2016 में रोनित रॉय जी की मूवी आई डोंगरी का राजा। इस मूवी का बजट था 1 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 73 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 2017 में रोनित रॉय जी की मूवी आई काबिल। इस मूवी का बजट था 55 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 192 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई मिशन। इस मूवी का बजट था 25 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 3 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई सरकार 3। इस मूवी का बजट था 35 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 10 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई मुन्ना माइकल। इस मूवी का बजट था 41 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 47 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई लखनऊ सेंटर। इस मूवी का बजट था 38 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 9 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। साल 2018 में रोनित रॉय जी की मूवी आई लव यात्री। इस मूवी का बजट था 22 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 13 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल रोनित रॉय जी की मूवी आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस मूवी का बजट था 300 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 330 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 2019 में रोनित रॉय जी की मूवी आई अर्जुन पटियाला। इस मूवी का बजट था 25 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 9 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। साल 2022 में रोनित रॉय जी की मूवी आई लीगर। इस मूवी का बजट था 100 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 56 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। दोस्तों ये था रोनित रॉय जी का फिल्मी सफ़र। कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।